हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लर्न विथ लर्नर पे। आज हम चर्चा करेंगे कि हमें अपने बच्चों के बीच तुलना करनी चाहिए या नहीं। जैसा कि आपने देखा ही होगा कि आजकल स्कूल्स में भी जब होम विजिट के लिए टीचर्स आती हैं तो उनके फॉर्म में एक क्वेश्चन होता है कि क्या आप अपने बच्चे की तुलना अदर बच्चों से करती हैं या नहीं करती हैं। तो मेन उनका यही कारण होता है ये पूछने का कि आप अपने बच्चे पर ये प्रेशर बनाती हैं कि नहीं, कि उनका बच्चा तो टॉप करता है या तुम्हारा फ्रेंड तो फर्स्ट आता है। तो वो ये जानना चाहते हैं कि आप दूसरे बच्चों से कंपेयर करके अपने बच्चे पर पढ़ाई का प्रेशर डालती हैं या फिर क्लास में टॉप करने का प्रेशर डालती हैं या नहीं। हालांकि ज़्यादातर पेरेंट्स आजकल अवेयर हैं और वो दूसरे बच्चों से अपने बच्चों की तुलना नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप के बच्चे आपस में एक दूसरे से तुलना करते हैं या फिर एक दूसरे को बराबर समझते हैं तो इसकी शुरुआत घर से ही होती है। इसकी शुरुआत कैसे होती है? एक्चुअली होता यह है कि पेरेंट्स अगर किसी भी बच्चे का नाम लेकर अपने बच्चे से कहते हैं कि देखो उनका बच्चा तो फर्स्ट आता है या उनका बच्चा तो टॉप करता है, तो पेरेंट्स का सिर्फ इतना मोटिव होता है कि उनका बच्चा दूसरे बच्चों से मोटिवेट होकर अच्छा स्कोर करे अपने क्लास में और गेम में भी अच्छा करे। लेकिन इस सेंटेंस से क्या होता है कि बच्चे को ये लगता है कि मैं उससे कमतर हूँ, मतलब जिस बच्चे की बात हो रही है उससे मैं कमतर हूँ और मैं अच्छा नहीं कर रहा अपनी क्लास में या फिर मैं गेम में अच्छा नहीं कर रहा। लेकिन अगर इसी को दूसरे तरीके से कहें या फिर अपने बच्चे को उसका 100% देने के लिए प्रेरित करते रहें तो इस तरह से बच्चा ज़्यादा ग्रोथ करता है कंपैरिजन की। अगर आप दूसरे बच्चे से उसको कंपेयर करते हैं तो कोशिश करें कि अपने बच्चे को किसी भी बच्चे से कंपेयर ना करें। और अगर बच्चा घर में अकेला है तो जाहिर सी बात है उसकी आस पड़ोस के बच्चों से या फिर उसके फ्रेंड से कंपैरिजन होता है, और अगर घर में ही दो बच्चे हैं तो उनका आपस में कंपैरिजन होता है। इससे क्या होता है कि अगर आपने बड़े बच्चे को दिखाकर छोटे बच्चे से कहा कि देखो भैया ने खा लिया आप भी जल्दी जल्दी खा लो, या फिर पढ़ाई को लेकर कहा कि देखो भैया ने अपना होमवर्क कर लिया आप भी जल्दी जल्दी कर लो, तो छोटे बच्चे को लगता है कि मुझे सब कुछ भैया जैसा करना है और उसे अपने एज गैप का जो फ़र्क होता है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। और बड़े बच्चे को अगर कुछ भी ऐसा कह दिया जाता है कि देखो तुम्हारे छोटे भाई ने इतनी जल्दी से कर लिया तुम अभी तक कर रहे हो, तो छोटे भाई से बड़े भाई को भी एक कॉम्पिटिटर जैसी फीलिंग आ जाती है और दोनों बच्चों में एक कॉम्पिटिटर जैसा फीलिंग होने की वजह से वो दोनों की एज गैप को भूल जाते हैं। और बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को प्यार नहीं देता और उसे लगता है कि इसे ज़्यादा प्यार करते हैं मम्मी पापा, उसी तरह छोटा जो बच्चा होता है वो बड़े भाई की रिस्पेक्ट नहीं करता, उसे लगता है कि बड़े भाई की ज़्यादा बात मानी जाती है। तो हमेशा दोनों बच्चों के बीच जो गैप होता है उसको बना के रखें जिससे छोटा भाई जो है वो बड़े भाई का सम्मान करे, आदर करे और उसकी बात माने, और दूसरी तरफ बड़ा भाई जो है वो छोटे भाई को प्यार करे और उसे हेल्प करें। जैसे कई कई सारे कंडीशन ऐसे होते हैं जब बड़े बच्चे को दूसरे छोटे बच्चे की हेल्प करनी चाहिए। तो आजकल के समय में क्या हो रहा है कि क्योंकि वो दोनों बच्चे आपस में एक दूसरे को कॉम्पिटिटर मान चुके हैं तो ना हेल्प की भावना डेवलप हो रही है और ना ही प्यार की भावना। तो कोशिश करें कि कभी भी कहीं भी तुलना ना करें। अगर बड़ा बच्चा को उसकी स्पीड और उसके टैलेंट और उसकी हॉबी के हिसाब से प्रेरित करें और छोटे बच्चे को उसकी हॉबी उसके कैपेसिटी के हिसाब से प्रेरित करें कि वो अपना 100% दे सके, जिससे क्या होगा कि घर का माहौल भी अच्छा रहेगा और दोनों बच्चों का जो आपस में लगाव है वो ताउम्र बना रहेगा। बेसिक चीज़ ये है कि बड़े बच्चे को आपको ये बताना है कि तुम जिंदगी भर छोटे बच्चे से बड़े ही रहोगे, चाहे आप कितना भी उसको बराबर मानो या जो भी है। उसी तरह छोटे बच्चे को भी ये समझाना होगा कि आपके भैया जो है या फिर आपकी दीदी जो है वो ताउम्र आपसे बड़ी रहेगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी बड़ी है, तो हमेशा आपको उनसे प्यार से बात करनी है। इस तरह से दोनों भाई बहन में या फिर भाई भाई में या फिर बहन बहन में प्यार और रिस्पेक्ट दोनों का कॉम्बिनेशन बना रहेगा। कोशिश करें कि कभी भी अपने आप से दोनों बच्चों की तुलना ना करें और ऐसी लाइन ही ना बोलें, उस लाइन को अपने दिमाग से इरेज कर लें कि हाँ भैया देखो ऐसे करता है तुम नहीं करते हो, या फिर देखो छोटे ऐसे करता है तुम नहीं करते हो, और पर्टिकुलर बच्चे को बुला के उसके नाम से काम को बताएं जिससे ये ना हो कि दोनों में कंपैरिजन की भावना आगे चल के मतलब आपके लिए समस्या बने। तो इस पर कोशिश करें और काम करते रहें, कुछ ना कुछ चेंजेस हमेशा होती रहेंगी और धीरे धीरे ये समस्या सॉल्व हो जाएगी।